भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज यह हमारा सौभाग्य है कि जब चार विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मित्रों, यह जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इसीलिए चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी, ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है।
नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो, मोदी जी है तो, ये स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।